In this section, I will explain the factors that affect the exchange rates in the long run. So, the first factor which affects the exchange rate in the long run is the differences in the relative prices in different countries. So, if suppose the demand for a certain product in a certain country increases, so automatically. Kisi bhi हम इस्यूम करेंगे वो फॉरेन प्रोडक्ट था अगर उसका डिमांड इंक्रीज कर जाएगा किसी भी एक कंट्री में तो उसका प्राइस इंक्रीज कर जाएगा और जो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका डिमांड इंक्रीज नहीं किया कम हो गया फॉर एग्जांपल उनकी ऑब्वियसली कीमत नीचे चली जाएगी तो अगर हम एक्सचेंज रेट को अकाउंट फॉर करें हमने लॉक लॉक किया जैसे अभी हमने बोला एक डॉलर हमारे पास सपोज एक सौ का है या एक सौ का है और उसके ऊपर आपने कोई चीज़ें इम्पोर्ट किए इस डॉलर के एक्सचेंज रेट को अकाउंट फॉर करके मगर जो चीज़ें आपने इम्पोर्ट की हैं उनकी किसी एक कमोडिटी जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनमें से किसी एक चीज़ की की डिमांड अगर इंक्रीज़ कर जाए तो फिर क्या होगा फिर आपको वो जो लोकल आपका कस्टमर है वो उस फॉरेन कमोडिटी की फॉरेन गुड की डिमांड इंक्रीज़ कर गई है तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ कर जाएगी दे विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर ऑफ इट दे विल स्टार्ट पेइंग मोर ऑफ इट एंड एज अ रिजल्ट वॉट विल हैपन द एक्सचेंज रेट विल गो पर्टिकुलर मुल्क की करेंसी की वैल्यू इस पर्टिकुलर इंक्रीज इन द डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट की वजह से इंक्रीज कर जाएगी तो दिस माइट कॉज द एक्सचेंज रेट टू गो अप तो इस तरह से जब बाहर से चीज़ें हमारे मुल्क में आती हैं और हम उनकी डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हैं तो उससे हमारा जो हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू है वो कम हो जाता है एंड बाईस वर्षा

जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ आपको वहाँ का लोकल इन्वेस्टर को अपने बिजनेस में एज आ पार्टनर बनाना पड़ेगा तो आप अपने फॉरेन प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर मुल्क में कारखाना लगा सकते हैं और उन चीज़ों को बेच सकते हैं सो देर आर दीज रिस्ट्रिक्शंस जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डोमेस्टिक मार्केट में एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करेगी और उनकी जो चीज़ें बिक्री हैं ऑल दो फॉरन चीजें बिक्री हैं मगर आपके जो लोकल इन्वेस्टर है उसकी मदद शामिल है बीच में उसका फायदा भी शामिल है बीच में और जो आपका हंड्रेड परसेंट एडवांटेज है वो बाहर के मुल्कों को नहीं जा रहा तो ट्रेड बैरियर्स ऑल्सो प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द वैल्यूज ऑफ एक्सचेंज रेट्स इन द लॉन्ग रन एन अदर इम्पोर्टेंट थिंग विच प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इज द प्रेफरेंसेज फॉर डोमेस्टिक वर्सेज द इम्पोटेड गुड्स तो अगर किसी भी मुल्क में रहने वाले लोग पसंद करते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डोमेस्टिक गुड्स को ही इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप की जो वैल्यू ऑफ़ द डोमेस्टिक करेंसी है वो ऊपर चली जाएगी क्योंकि आपको बाहर से सामान खरीदना ही नहीं है मगर अगर ऐसे लोग रहते हैं किसी भी मुल्क में जो कि हाईली डिपेंडेंट हैं ऑन द इंपोर्टेड गुड्स तो ऐसा कॉन्स ऐसे के सिचुएशन में इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आपकी फॉरेन करेंसी का जो डिमांड है वो इंक्रीज कर करजिएगा लोकल करेंसी का जो डिमांड है वो फॉल कर करजिएगा उसका वैल्यू भी कम हो जाएगा और आपके फॉरेन एक्सचेंज आपकी वैल्यू डिप्रिसिएट करती चली जाएगी और फॉरेन एक्सचेंज आपको ज़्यादा पे भी करना पड़ेगा उसकी वैल्यूज़ भी एस्केलेट कर जाएंगी तो इसी चीज़ को वजाहत करने के लिए डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड को लिए मैंने अभी ये रिसेंट नंबर्स लिए थे यू कैन हैव एन आइडिया के पाकिस्तान के जुलाई 2021 के अंदर जो इम्पोर्ट थे देव आर 5,601 थाउजेंड सिक्स मिलियन डॉलर्स के लेकिन जो हमने एक्सपोर्ट्स किए हैं अगस्त 2021 में मुझे जुलाई की वैल्यू नहीं मिल सकी थी एक्सपोर्ट्स के लिए तो अगस्त 2021, ट्वेंटी ट्वेंटी अगस्त ट्वेंटी अगस्त 2021 की जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, वो सिर्फ दो हजार दो सो मिलियन डॉलर है तो यू कैन सी के हम हाफ uh, से भी कम एक्सपोर्ट करते हैं इम्पोर्ट्स से तो इस किस्म की सिचुएशन में क्या मतलब है कि हम ज़्यादा पसंद करते हैं इम्पोर्टेड गुड्स को और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो लोकल करेंसी है पाकिस्तानी रुपी उसकी बेचारे की वैल्यू कम से कम से कम से कम होने होती देखने को मिलती है हमें चूंकि हम इम्पोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट हाफ से भी लेस करते हैं एज यू कैन सी द नंबर्स नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट इज़ द प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि सेम रिसोर्सिस को इस्तेमाल करते हुए आप कितना आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकें तो अगर आप बारह रुपये खर्च करके पाँच रुपए आउटपुट देते थे और अब आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दिया का मतलब है कोई ऐसी मशीनें ईजाद कर ली हैं या आप अपने अपने लोगों को इस तरह के कोई आ, ट्रेनिंग दे दी है जिसकी वजह से वो बारह रुपए की इनपुट लेके अभी छः रुपए की इनपुट लेके या कम इनपुट लेके ज़्यादा हायर लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब है कि दे हैव बिकम मोर प्रोडक्टिव और जब किसी भी कॉमों में जो उनकी जो ओवरऑल प्रोडक्शन की प्रोसेस है या ह्यूमन रिसोर्स है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए तब भी उन उन कॉमों की करेंसी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है और हमारे सामने इसकी जीती जागती मिसाल है सिंगापुर की कि उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहंस किया इस तरह से बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन प्रोसीजर की ह्यूमन रिसोर्स की उन्होंने इंक्रीज़ की और एज अ रिजल्ट क्या हुआ उनका जो करेंसी का वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गया तो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट इन द लॉन्ग रन